नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में जगाधरी के समता योग आश्रम के नजदीक फ्लाई बोर्ड की सुप्रीमो फैक्ट्री में दोपहर के समय आग लग गई। इसमें फैक्ट्री को चलाने वाले बेलर के ईंधन जलकर राख हो गए। ये बालन फैक्ट्री को चलाने के लिए बेलर में बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता है। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटें आसमान को छू रही थी। इसके साथ ही बॉयलर के पास जो लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे उनका भी काफी हिस्सा जलकर राख हो गया। दमकल विभाग कर्मचारी ललित कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें दमकल विभाग कार्यालय में फोन आया था कि सुप्रीमो फैक्ट्री में आग लग गई है। इसकी सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने तकरीबन एक डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। उनका कहना है कि अभी तक भी आग पूरी तरह से बुझी नहीं है, इसको बुझाने के प्रयास अभी भी जारी ही है। चक्की मालिकों ने आग की घटना के बारे में मीडिया को कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि एक बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बड़ा हादसा होने से रोक दिया है। कोई भी मानवीय क्षति नहीं हुई है। किन कारणों से आग लगी है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं लग पाया है। जगाधरी से हमारी संवाददाता गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2:40 पर सूचना मिली कि सुपर टिम्बर समता योग आश्रम के पास चैम्बर उसमें बॉयलर में आग लगी है। बॉयलर के बारदाने में जो ये अपना कुट्टी वगैरह होता है, मटेरियल होता है इनका, रॉ मटेरियल, उसमें आग लगी है। जैसे ही हम आए तो आग काफ़ी थी, तो उसके बाद 2 गाड़ी और मंगवाई गई तुरंत प्रभाव से और आधे घंटे के अंदर कंट्रोल हो चुकी है। आग कंट्रोल है लेकिन उसमें टाइम लगेगा उसको। अब जैसी भी मंगवाई है कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में हम पूरी फिनिश कर। सर क्या नाम है अप्लाई बोर्ड का? हम तक ये अपना सुपर टिम्बर। तो आग काफ़ी भयानक थी? तब पहले काफ़ी आग थी। तो अभी क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान इसमें एक तो कुट्टी है इनकी और बाकी जो 60 लगती फैक्ट्री जितना भी मटेरियल था सारा बचा लिया गया है। कुट्टी में आग थी वो कंट्रोल है और इनका जो बॉयलर था जिनमें ज़्यादा खतरा था तो बॉयलर को भी सेफ बचा लिया गया। तो सर कितनी गाड़ियाँ पहुँची हैं? 3 गाड़ियाँ मौके पर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।